हाँ जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, ये सॉन्ग सीखेंगे। तो इसे हम यहाँ से सीखेंगे ई से, इसे सा मान के चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से स्वर यूज होंगे। सा, रे, शुद्ध रे, शुद्ध गा, और मा, पा, शुद्ध धा, शुद्ध नी, और ये तार सप्तक का सा। फिर इसके बाद में मंद्र सप्तक में शुद्ध नी और ये शुद्ध धा, इतने स्वर यूज होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। शुरू का जो इसका इंट्रो म्यूजिक है उससे स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद मुखड़ा और फिर अंतरा देखेंगे। तो दोस्तों इसे देखते हैं स्लो मोशन में किस तरह से प्ले होगी ये लाइन। अब यहाँ से सॉन्ग की पहली लाइन यानी मुखड़ा स्टार्ट होगा, तो उसे देखते हैं। पहले मैं प्ले करके बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं स्लो मोशन में आपको बताऊँगा। अभी जो हमने ये मुखड़ा प्ले किया इसे फीमेल सिंगर ने गाया था, फिर इसके बाद में मेल सिंगर ने यही लाइन दोहराई है। तो उसे मैं प्ले ना करके मैं स्लो मोशन में ये लाइन आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे। फिर इसके बाद में मेल सिंगर यही लाइन दोहराता है। तो एक बार फिर इसे स्लो मोशन में देख लेते हैं। Thank you.
फिर इसके बाद में एक म्यूजिक है, उसे देखते हैं किस तरह से है, फिर इसके बाद में अंतरे को। इसे देखते हैं म्यूजिक को किस तरह से प्ले होगा। फिर यहीं से अंतरे की लाइन स्टार्ट होती है, तो उसे देखते हैं किस तरह से प्ले होगी। दोस्तों इस अंतरे को देखते हैं किस तरह से प्ले होगा। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने हारमोनियम या कीबोर्ड पर आसानी से इस वीडियो के थ्रू प्ले कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया इंट्रो म्यूजिक और फिलर पार्ट और मुखड़ा और अंतरा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग आसानी से इस गाने को अपने पियानो पर प्ले कर सकेंगे। तो आप इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, हमें हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।